नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। जितने भी हमारे तमाम दर्शक जो नए आए हैं हमारे चैनल पर, उनको स्वागत है। और अपने हमारे पुराने जो साथी हैं उनको हार्दिक धन्यवाद, आप हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत दिनों से चर्चाएं चल रही थी कि ये जो वर्तमान सरकार है केंद्र में बैठी हुई, ये ईवीएम की सरकार है। और हमने कई बार आपसे कहा, यह लोकसभा से पारित है, कानून बना हुआ है, सड़कों पर अथवा मीडिया चैनल को बोलने से ईवीएम खत्म नहीं हो सकती। परंतु ईवीएम की खेल पकड़ी गई, आज ईवीएम की खेल पूरी तरह से पकड़ी गई है, खुलासा हुआ है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बहुत कई जगह से खबरें आई कि ईवीएम में सेटिंग है, ईवीएम में धांधली है, हर प्रकार की खबरें आ रही थी। और जब खबरें आती है तो सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि खबरें सही भी हो सकती है, खबरें गलत भी हो सकती है। हो सकता है यह विपक्ष का आरोप है, हो सकता है कि बीजेपी के जो खिलाफ लोग बोलते हैं उनका आरोप है। लेकिन एक ऐसी जगह से ऐसी खबरें आई ईवीएम के बारे में जिसको सुनकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे और विश्वास भी करेंगे, विश्वास करने लायक है। पश्चिम बंगाल में एक जगह है मेदिनीपुर, और मेदिनीपुर से जो खबर आई, जो लोगों ने बताया, जो भुक्तभोगी थे, जिन्होंने वोट डालने गए थे, उनका कहना यह है कि जब हमने बटन दबाया, 3 नंबर पे बटन दबाया, टीएमसी का चुनाव चिन्ह 3 नंबर पर था, और हम लोग टीएमसी के मतदाता हैं। ये पूरा का पूरा जो इलाका है यह अल्पसंख्यकों का है, यहां पर भाजपा की कोई वोट नहीं है। और जैसे ही हमने बटन दबाया तो अधिकारियों ने कहा कि वीवीपैट मशीन को चेक कर लीजिए, और जब उससे पर्ची निकली तो वह फूल छाप पर वोट पड़ा था, यानी कमल छाप पर वोट पड़ा था। चलो, एक में गलतियां हो सकती है, मशीन गलत होगा, परंतु दूसरे आदमी ने जब वोट डाला तो दूसरे में भी जो पर्ची निकली वह भी कमल छाप, फूल छाप। और इस तरह से जब 4-5 लोगों ने बटन दबाया और उसके बाद फूल छाप ही निकलता गया, तो अंत में आकर जो अधिकारी थे वो लज्जित हो गए, शर्मिंदा हो गए, प्रशासन को वहां पर पोलिंग बंद करना पड़ गया। अब रही बात ये, जब गहमा गहमी बढ़ गई, लोग भड़क गए, हंगामे होने लग गए, तो जो वहां के पुलिस अधिकारी थे वो ये कह रहे थे कि कुछ इन लोगों का मिस अंडरस्टैंडिंग है, इनका आरोप जो भी है वो हमने सुन लिया है, हमने पोलिंग बंद करवा दी है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि मेदिनीपुर में टोटल के टोटल जो मतदाता थे वो अल्पसंख्यक थे, वो भाजपा विरोधी थे, वहां टीएमसी का गढ़ था, परंतु पूरे बंगाल में हो सकता है कि हर जगह मिक्स लोग हों, मिक्स मतदाता हों, कुछ भाजपा के हों, कुछ टीएमसी के हों, कुछ अन्य पार्टियों के हों। तो इसका मतलब ये जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है ये धांधली करके ईवीएम के जरिए सत्ता की प्राप्ति होगी, यह मूल प्रश्न है। और इस प्रश्न पर आपको भी कमेंट करके जवाब देना चाहिए। आज हम आपकी बातों से सहमत हैं, आप जो बार बार कहते हैं कि ईवीएम में धांधली होती है, ईवीएम की वर्तमान सरकार है, और हम आपसे ये कहते रहे कि लोकसभा से ये पारित है 2004 में, पूर्ण बहुमत से ईवीएम लाया गया था, कानून बनाया गया था, चुनाव आयोग के हाथ में नहीं है कि वह ईवीएम के बदले बैलेट पेपर से चुनाव लड़वाए। और रही बात ये, अगर सदन यह पास कर देती है कि आगे से ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा, तो बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा। परंतु अभी भाजपा की पूर्ण बहुमत की केंद्र में सरकार है, कोई भी कानून पास करवा लेती है, इसलिए यह असंभव है कि ईवीएम के बदले बैलेट पेपर लाया जाए, जब तक वहां पर पूर्ण बहुमत नहीं होगी। लेकिन जो आज पश्चिम बंगाल में धांधली देखी गई, जगह जगह से जो खबरें आई, और मेदिनीपुर में तो साबित कर दिया गया कि ईवीएम में सेटिंग है, जिसको आप हैकिंग कहते हैं, यह हैकिंग का मामला नहीं, पहले से ही पूरी प्लान किया हुआ है कि कोई भी बटन दबेगा तो फूल छाप ही पर्ची पर निकलेगा। और इस तरह की खबरें आई जो कि चिंताजनक है, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
और रही बात ये, प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश में भाषण दे रहे थे, वहां पर मतुआ समुदाय को संबोधित कर रहे थे जो कि भारत में है, और मतुआ मंदिर में जाके पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा फील हो रहा है, कभी किसी ने सोचा था कि भारत के प्रधानमंत्री बांग्लादेश भी आएंगे और इस मंदिर में आएंगे। कुल मिला के उनकी टारगेट यह थी कि जो पश्चिम बंगाल में मतुआ धर्म के जितने भी लोग हैं वो भाजपा के साथ आ जाए। अब प्रश्न यह उठता है कि जब ईवीएम में सेटिंग है ही, तो इतनी मीडिया, इतने प्रचार पर खर्च करने की क्या जरूरत है, और भाजपा के सभी दिग्गज पहुंच जाते हैं उस इलाके में, जब आप ईवीएम की सेटिंग कर ही रखा है, हर जगह से जो है यही खबर आ रही है, किसी पे भी बटन दबाओ तो फूल छाप निकलता है, तो फिर इतनी सोसेबाजी करने की क्या जरूरत है। ये मूल प्रश्न है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग ये ना समझे कि ईवीएम तो ठीक है, बाकी भाजपा को वोट ही इतना मिल जाता है। रही बात ये मूल प्रश्न बनकर उभरा है, इसमें सभी भाइयों को जागना होगा, इसके बारे में सोचना होगा, इस ईवीएम जैसी बला को कैसे खत्म किया जाए, कैसे इससे दूर किया जाए। रही बात ये, सामने आपका पंचायत चुनाव है, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का चुनाव है और बिहार में भी पंचायत चुनाव आने वाला है। अगर पंचायत चुनाव में सर्व समाज के, डिप्रेस क्लासेस के हर समाज से लोग चुनकर आते हैं, क्योंकि वो बैलेट पेपर से चुनाव होता है, अब तो सरकार यह चाह रही है कि पंचायत चुनाव को भी ईवीएम से करवाया जाए। अगर ईवीएम वहां भी आ गई तो गांव के जो सबसे बड़े अमीर होंगे, जो ताकतवर होंगे, वो गांव के प्रधान होंगे। फिलहाल ऐसा ही देखने को मिलता है, अभी भी गांव के प्रधान कमजोर नहीं होते, लेकिन जब ईवीएम आ जाएगी तो एक छत्र राज होगा पैसों वालों का, जिसका रसूख होगा उसका गांव के ऊपर राज होगा। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल से खबर आई, फिर इतने बड़े तामझाम करने की क्या जरूरत थी। रही बात ये, प्रचार प्रसार इतने जो है वहां पर लोग पहुंचा दिए जाए, जितने भी सेलिब्रिटी हैं वो पहुंच रहे हैं, जब आपने ईवीएम ही सेट कर लिया, और ईवीएम की ये खबरें क्यों आई, सरकार को इसके ऊपर सफाई देनी पड़ेगी, चुनाव आयोग को भी बताना पड़ेगा कि बार बार ये फूल छापी क्यों आ रहे थे, क्योंकि ये सीरियस मैटर है, गंभीर मामला है लोकतंत्र के लिए, और चुनाव आयोग इस पर ऊपर सफाई दे। अब रही बात ये, बंगाल के चुनाव हो गए और कई चरण के चुनाव होने हैं, क्योंकि 8 चरण में चुनाव है, 7 चरण और बाकी है, क्या सरकार इसके ऊपर सफाई देगी, चुनाव आयोग इसके ऊपर सफाई देगी। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।